हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी निशु। एक बार फिर एक हम बड़ी मज़ेदार सी वीडियो में लेके आई हूँ। हम फिर है हैं क्या मैं बोल रही हूँ, खैर उसको इग्नोर करें। आज बड़ी मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ। किसी ज़माने में मैं लिप्स पॉश वीडियो बनाया करती थी और आप लोगों को बहुत 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 पसंद आती थी। एंड अगेन आई विल स्टार्ट द ट्रेंड अगेन, मतलब कि मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, चाहे वो हाई एंड हों चाहे वो लोकल हों, उनके मैं लिप्स पॉश वीडियोज़ बनाकर आप लोग को दिखाऊंगी। आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, काशिश की लिक्विड लिपस्टिक की लिप्स पॉश वीडियो मैं बनाऊंगी। जैसे ही ये लॉन्च हुई मैंने कहा फट से मैं खरीद लूँ कुछ शेड्स, तो मैंने 8 शेड जो है वो लिक्विड लिपस्टिक के खरीदे हैं और 2 जो मैंने लिप ग्लॉस खरीदी हैं। हर एक की जो प्राइस है वो 800 रुपीज ईच लिपस्टिक है। एंड ये तमाम लिक्विड लिपस्टिक्स और ग्लॉस जो है मैंने खुद खरीदे हैं। मैंने 8500 रुपीज जो है वो पे किए हैं। मैं रसीद यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि अक्सर लड़कियों को लगता है कि ये वीडियो पेड है या स्पॉन्सर्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको लिप्स वॉचेस दिखाऊंगी और इन द एंड आपको बताऊंगी कि लिक्विड लिपस्टिक्स वर्थ बाइंग है या नहीं। चले भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। काशीज की पैकेजिंग इज सेम, वही गोल्ड कार्डबोर्ड पैकेजिंग है उसकी जो कि तमाम प्रोडक्ट्स की। लेकिन पैकेजिंग का किसी ने अचार डालना है ना किसी जहेज में लेके जाना है। पैकेजिंग जो है वो हमने बाहर फेंक देनी है। हम बात करेंगे जो कि अंदर की पैकेजिंग है, मतलब उसका जो कंटेनर है लिपस्टिक का, उसके बारे में बात करेंगे। सो कंटेनर जो है वो है कुछ इस तरह से। इसकी जो कैप है बहुत ही खूबसूरत मैट, यस बस समझ जाओ ना, मैट है कैप इसकी। बाकी नीचे जो है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है काशीज। इफ़ यू डोंट नो अबाउट काशीज, काशीज जो है पाकिस्तान का बहुत ही बहुत बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है। एंड इनर पैकेजिंग जो है वो कुछ इतनी खास लग्जरी नहीं है, बट बहुत से ब्रांड्स से अभी भी अच्छी है। अच्छा, इसको खोलने पर इट स्मेल्स लाइक रोज पेटल्स। आई डोंट नो व्हाई बट इट स्मेल्स द सेम, मतलब फूलों जैसी सेंट आती है इसमें से। अगर आप को नहीं पसंद ये सेंट तो हो सकता है माइट इरिटेट यू हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत तंग करे, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अप्लाई करने के बाद जो है ना फील नहीं होता कि आपने कुछ अप्लाई किया है। चलो भाई, बातें बहुत हो गई। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और क्या करना है, बाकी अपनी मर्जी। फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, जहाँ शेयर करो दोस्तों के साथ, वो तुम्हारी मर्जी। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। स्वॉचेस दिखाती हूँ मैं पहले। Thoughts is organized.
अच्छा जी, तो स्वॉचेस देख ली आप लोगों ने, बहुत प्यारे 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 शेड्स हैं। बहुत ज्यादा डार्क शेड्स भी अवेलेबल थे, लेकिन डेली बेसिस पे डार्क शेड्स जो है वो यूज नहीं होते, तो मैंने कहा भाई पैसे ज्यादा बर्बाद नहीं करते, मतलब डार्क शेड मैंने यूज नहीं करने, तो खरीदती भी नहीं हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे जो है उनके शेड रेंज जो है, पिक्चर पानी मेरा हजम ही ना हुए, पिक्चर जो है मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लो। और भी बहुत सारे शेड्स हैं, ठीक है। और दूसरी, ये चीजें आप लोग को मिलेंगी कहाँ से, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोग को ये चीजें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। मैंने इनको पूरा एक दिन अप्लाई किया, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि आया ये लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। सबसे पहली बात, यस, जब आप इसको अप्लाई करते हो, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है, पिगमेंटेड है, लेकिन कुछ ऐसे शेड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है, उसको दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ता है बहुत, मतलब डार्क करने के लिए। दूसरा, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कि नहीं। ऑक्सीडाइज मतलब जब हम कोई भी लोकल लिपस्टिक लगाते हैं तो वो ट्यूब में एक तरह दिख रही होती है, लेकिन जब आप लिप्स पे अप्लाई करते हो तो वो एक दो टोन डार्क हो जाती है। ये वैसे होती है या नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब ये बिल्कुल फुली ड्राई हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा, मतलब एक टोन फील होता है कि थोड़ी सी डार्क हुई है, नॉट बहुत ज्यादा क्रेजी डार्क, लेकिन बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी डार्क। एंड यस, इट इज सुपर कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स। लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, यस लॉन्ग लास्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि पूरा दिन रोजा रखते हैं, खाते पीते नहीं है। लेकिन अगर आप खाते पीते हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो हो सकता है आपको टचअप की जरूरत पड़े, क्योंकि बर्गर्स और ऑयली चीजें खाने से कोई भी हाई एंड ब्रांड की भी लिपस्टिक जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, तो टचअप्स की जरूरत पड़ेगी आपको। और क्या बताना था, एंड पैकेजिंग में यू विल गेट लिक्विड लिपस्टिक में यू विल गेट 6.2 ml, ठीक है, 800 रुपए में। एंड जो ग्लॉस है यू विल गेट 8 ml 800 रुपए में। अब ग्लॉस की बात करें तो एक है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लॉस और एक जो है वो है बहुत ही खूबसूरत पीची पिंक कलर में, जो कि आप इंडिविजुअली भी लगाओ तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन नजर आती है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसकी सेंट बिल्कुल भी नहीं है, नो सेंट एट ऑल, नॉट ग्लूपी स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अमूमन अक्सर लिप ग्लॉसेस होती हैं। मैं एक अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने अभी लिप टिंट के ऊपर भी यही ग्लॉस लगाई हुई है, ये ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, फुल प्लास्टिक पैकेजिंग है, ठीक है। जो इसके 2 foot एप्लीकेटर्स हैं जिससे हमें ये अप्लाई करते हैं, चाहे वो लिप ग्लॉस का हो और चाहे वो लिक्विड लिपस्टिक का हो, दोनों का सेम है, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। एंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाती हूँ। जब आप ग्लॉस वगैरह लिक्विड लिपस्टिक के ऊपर लगाते हो तो आपने यू करके नहीं लगाना, ग्लॉस के जो 2 foot एप्लीकेटर होता है उस पर लग जाता है। एक टिप ये है कि आप उसको डॉट डॉट करके यू करके लगाओगे तो आपका जो 2 foot एप्लीकेटर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। सो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अगर मुझसे पूछें तो मुझे इनकी लिक्विड लिपस्टिक ज्यादा पसंद आई है एज कम्पेयर टू द लिप ग्लॉस। ये नहीं कि लिप ग्लॉस बुरी है या इनका फॉर्मूला बुरा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब फील ही नहीं होता यू आर अप्लाइंग एनीथिंग। लेकिन इट्स नॉट समथिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। आई वुड प्रेफर कि थोड़ा बहुत मिंटी या कोई गमी सी टेस्ट होती लिप ग्लॉसेस की, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। बट खैर, इफ यू लाइक विदाउट सेंटेड लिप ग्लॉस, आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इनकी कोई सेंट वगैरह नहीं है। ये वाली चेक कर लेते हैं, ये शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्लॉस के हिसाब से द शेड इज सुपर 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 पिगमेंटेड। सो ग्लॉस में जो है टोटल 4 शेड्स अवेलेबल है मेरे ख्याल से, एंड लिक्विड लिपस्टिक में काफी सारे शेड्स अवेलेबल हैं। ये था मेरा आज का रिव्यू, एंड अगर आप लोग को पसंद आया हो तो
तो मेक श्योर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगना चाहिए कि आपको पसंद आया है. एंड इस तरह की और वीडियोस भी कमिंग सून, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. और किस ब्रांड की लिक्विड लिपस्टिक्स के या ग्लॉसेस के स्वॉचेस आपको चाहिए, आई विल डू इट फॉर यू गाइज. एंड कीप सपोर्टिंग एंड बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया प्यारे 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 मैसेजेस करने के लिए, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप मलेशिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे दुबई एंड यूएई से हो. लेकिन मतलब आप लोग के मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड काफ़ी अर्सा मैं गायब थी, उसके बारे में बात कर चुकी हूँ. आप लोग वीडियो देख सकते हो, लेट्स टॉक वीडियो, उसमें मैंने सारी सिचुएशन बताई थी. एंड हाँ, चलते हैं, मैं चलती हूँ भाई, कहाँ चलते हैं मैं जाती हूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में.